इन युवा क्लब की ओर से वार्ड नंबर 20 में पकोड़े और खीर का लंगर लगाया गया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उन्होंने खीर पकोड़े के प्रसाद को सैकड़ों लोगों में वितरित किया और विशेष रूप से मिनी युवा क्लब के सदस्यों ने शुभकामनाएं देने के लिए पार्षद राकेश बबली ने शिरकत की और उन्होंने सर्वमंगल की कामना करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना की कि अपने कृपा पूरे विश्व पर बरसाएं और लोगों की विपत्तियों और आपदाओं को मुक्त करें। आज मिनी युवा क्लब वालों 24वां वार्षिक शिवरात्रि के भंडारा करवाया जा रहा। मिनी युवा क्लब हर साल पटेल चौंक भी जागरण करती है तो असी चा मतलब भंडारे से सहयोग देने वाले सारे का सारे मेरे साथियों का धन्यवाद करने नाल राकेश कुमार बबली साढ़े चीफ गस्सी ये वार्ड नंबर 20 चो अच्छे मतों में जित के आए हैं तो लोगों की सेवा हमेशा तत्पर रहते। जय भोलेनाथ। मिनी युवा क्लब वालों अज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इतने लंगर का वितरित किया जा रहा जिस चीफ गैसट राकेश बबली जी आए हैं। अं उन्हों का बहुत ऋणी है सारी क्लब तो सारे क्लब मैंबर का भी बहुत थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने इन्ना वधिया उपराला करके साडे लई कि शहर वासियां शहर वालियां वास्ते इन्ना वधिया उपराला किया ते अहीं फास्टवेज का भी बहुत शुक्रिया अदा करने हैं जिन्होंने साडा ए प्रोग्राम नूं कैप्चर किया। तो मैं बहुत बहुत ऋणी रहांगा इस शहर का कि जिहड़े साडा हर वारी इस मेले ते हर मेले ते आके साडा साथ दिंदे ने। जय भोलेनाथ। जिहड़ा कार्यक्रम मिनी युवा क्लब मेरी वार्ड नंबर 20 दे विच बहुत लंबे अरसे तो जगराता कराते आ रहे ने पवन जी उहदे प्रधान ने इन्होंने मैं अज निमंत्रण से क्योंकि ये क्लब मेरी वार्ड दे विच और मेरे वेलविशर ने सपोर्टर ने इन्हें मैं बुलाया तो उस उपलक्ष्य विच मैं शुभकामना अपने वालों कांग्रेस परिवार वालों इलाका निवासियों शिवरात्रि के मौके पर एक प्रेम भरिया संदेश देना चाहते हैं। भाई ये अज भगवान शंकर जी के दिवस के उत्ते लोगों ने दुध का और पकौड़िया का लंगर लगाया। खुशी है इन्हों सारे इलाके दे विच वितरण कर रहे हैं तो मैं भी इन्हों दे नाल मैनू भी बहुत खुशी हुई है भी इन्होंने मैनू इत्थे बुलाया और इस नेक कार्य दे विच भी मैं अपना योगदान अपनी समय मैं इन्हों दे नाल हाँ जिते भी मैनू किसी गाए बगाए बुलाएंगे इन्हों दे नाल हाँ। डिवेलपमेंट के काम से तो है ही है होर समाजिक कार्यों के भी मैं जो ड्यूटी मेरे साथी लगाएंगे मैं इन्होंने नाल।